आज से करीब 5 साल पहले की बात है। अनामिका और राकेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राकेश मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रहा था और उसका आर्मी में सेलेक्शन हो जाने के बाद उसकी मुलाकात अनामिका से होती है। अनामिका नाखुश थी। तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई कि मेरा सेलेक्शन हो गया? इतनी सेल्फिश मत बनो। तो क्या करूं? तुम तो मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं यहाँ अकेले रहूं। तुम क्यों नहीं समझते कि मेरे पास और वक्त नहीं? 3 साल से रोक रही हूँ अपनी फैमिली को तुम्हारे लिए। सिर्फ 1 साल रुक जाओ प्लीज। अब तुम्हें मेरे घर पर बात करनी ही होगी। लेकिन इस वक्त कैसे? मैं नहीं कर सकता। सिर्फ मेरे एफर्ट करने से कैसे होगा सब कुछ? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुद ही नहीं चाहते। हाँ हाँ, नहीं चाहता मैं कुछ। चली जाओ और मुझे मेरे मुकाम पर जाने से मत रोको। जस्ट लीव नाउ। राकेश की बातें सुनकर अनामिका को बहुत ठेस पहुंचती है। राकेश अगले हफ्ते ट्रेन पकड़कर मिलिट्री कैंप पहुंच जाता है। वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता था। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग भी हो गई। धीरे धीरे सेना में काफी समय हो गया था। अब वो अनामिका को पूरी तरह से भूल चुका था। 4 साल बाद आखिर 4 साल बाद राकेश मिलिट्री कैंप से घर लौट रहा था। उसका परिवार, माँ, पापा और भाई उसे रेलवे स्टेशन पर लेने पहुंचे। राकेश की ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। वो अपना सारा सामान लिए ट्रेन से उतरा। उसके माता पिता और भाई उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन राकेश को बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ होने के बावजूद राकेश को एक ही परछाई बार बार नजर आ रही थी, लेकिन उसने ध्यान न देते हुए बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो वॉशरूम जाता है, जहां वॉश बेसिन से मुंह धोते समय उसने शीशे में एक काली परछाई देखी। वो डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो नल के पानी से मुंह धोने लगा, तभी नल का पानी लाल हो गया, मानो खून की धारा बह रही हो। यह सब देखकर वो बहुत डर जाता है। वो चिल्लाते हुए वहां से भागते हुए अपने परिवार के पास जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी माँ सरला बार बार पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहकर टाल देता है। घर पहुंचने पर उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था। सरला काफी परेशान हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को? न जाने कौन सा भूत चढ़ गया इसके ऊपर। मिलिट्री कैंप में तो कभी बीमार नहीं पड़ा। सरला कुछ लाल मिर्च को आग में जलाकर उसकी नजर उतारती है। धीरे धीरे राकेश ठीक हो रहा था और कुछ दिन बाद एकदम चंगा हो गया। एक दिन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए उसे अनामिका के पापा रास्ते में मिले। उन्हें देखकर राकेश को अपना बीता हुआ कल याद आ गया। वो क्रिकेट छोड़कर अकेले नदी के पुल के नीचे बैठ गया। अनामिका से मिले पूरे 4 साल हो गए हैं, क्या वो मुझसे अभी भी रूठी है? उसने शादी की या नहीं की? अब वो कहाँ है? दिखाई भी नहीं देती। मैं उससे मिलने जाऊंगा, लेकिन कैसे? कुछ तो सोच राकेश। हाँ, मैं ज्योति से उसका ठिकाना पूछता हूँ, उसे जरूर पता होगा। वो ज्योति के पास जाता है और उससे अनामिका के बारे में पूछताछ करता है। ज्योति उसे देखते ही रो रो कर कहने लगती है, बहुत देर कर दी राकेश तुमने। तुमने अपनी दुनिया तो बसा ली, लेकिन अनामिका की दुनिया तबाह कर दी। थोड़ा सा भी नहीं सोचा। मैंने? हाँ तुमने। तुम्हारे जाने के बाद उसने तुम्हारे लिए अपने परिवार वालों से तुम्हारे बारे में बात की, लेकिन वो नहीं माने और जबरदस्ती उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। लेकिन अनामिका शादी नहीं करना चाहती थी। जिस दिन तुम ट्रेन पकड़कर मिलिट्री ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे, उसी दिन वो तुमसे मिलने रेलवे स्टेशन पे भी गई थी। लेकिन वो रेलवे स्टेशन पर मुझे मिली ही नहीं। ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन वो फिर भी ट्रेन के साथ भाग रही थी। इसी बीच वो ट्रेन के नीचे आ गई और अपनी जान गंवा बैठी। राकेश ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने आप में ही बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब राकेश करता भी तो क्या सिवाय पछताने के। धीरे धीरे दिन बीतते गए और 3 महीने बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। उसे वापस उसी ट्रेन से मिलिट्री कैंप पहुंचना था। स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक बार से उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे फिर से वही परछाई बार बार नजर आने लगी। इस बार राकेश को समझ आ गया था कि वो परछाई अनामिका की है, जो आज भी उसका इंतजार कर रही है। राकेश कैंप पहुंचकर अपने अनामिका को भूलने के लिए काम में लग जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ हालात बदलते हैं और एक रोज जंग के मैदान में राकेश अपनी सांसों में अनामिका को याद करता है। वो अपने आखिरी पलों में अपने दोस्त को यह सारी कहानी बताता है।
अनामिका रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे अनामिका के पास जाना है। राकेश इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। उसके मिलिट्री ऑफिसर और रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करती प्रेमिका की कहानी सोशल मीडिया पर फैल गई। अनामिका के याद में उस रेलवे स्टेशन का नाम ही अनामिका रख दिया गया। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। सिपाही बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करते हुए काफी थक चुके थे, इसलिए वह बैठे बैठे झपकियां ले रहे थे। कुछ सिपाहियों को भूकंप के कंपन का एहसास हुआ। 2-3 सिपाही कुर्सियों से बैठे बैठे नीचे गिर गए। सोते हुए सिपाही जाग गए। हाथ में टॉर्च लिए हुए कैप्टन जोसेफ वहां आते हुए नजर आ रहे थे। जोसेफ ने अपने आसपास की जमीन पर बहुत ही बड़े इंसानी पंजों के निशान देखे थे। वह पंजों के निशान के कद के बराबर थे। जोसेफ काफी डरे हुए थे। उन्होंने ड्यूटी कर रहे सिपाहियों को चेतावनी देने की सोची और उन्होंने ऐसा किया भी। आप लोग जरा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आसपास किसी बहुत बड़े जानवर के पंजों के निशान देखे हैं। लगता है यहाँ तेज भूकंप भी उसी के चलने से आया था। यहाँ कुछ भी हलचल नजर आती है तो आप तुरंत जानकारी दें। जोसेफ जा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कुछ भूतिया आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी भूत का साया आसपास मंडरा रहा था। सरहद पर जितने भी सिपाही थे उनके डर के मारे नींद खुल चुकी थी। सारे सोल्जर्स रात भर ड्यूटी करते हैं। सुबह होने पर इस बात की चर्चा आर्मी कैंप में होने लगी। सोल्जर्स आने वाले खतरे से बेखबर थे। अगली रात फिर से कुछ सिपाहियों ने भूकंप की आहट और इंसानी पैरों के बड़े बड़े निशान देखे। बहुत जोर जोर से किसी के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। तभी आसमान से बिजली कड़कने लगती है और आकाशवाणी होती है। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अगर अपना फर्ज दिलो जान से नहीं निभाया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं ऐसे गद्दार सिपाहियों को अपने हिंदुस्तान में रहने की इजाजत नहीं देता। दुश्मन जंग के लिए तैयार है, तुम्हें भी अपनी तैयारी करनी होगी। यह मौत का फरमान है। इंडियन सिपाही यह सब देख बहुत डर चुके थे, क्योंकि ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आखिर वो कौन है जिसने उन्हें इस प्रकार की धमकियां दी? कैप्टन जोसेफ काफी डरे हुए थे। कई सिपाहियों को यह भी लग रहा था कि दुश्मन मुल्क की यह कोई साजिश तो नहीं है, लेकिन प्रकृति किसी सीमा के बंधन में नहीं बंधती। कुछ सिपाहियों ने इसे भगवान की ओर से चेतावनी समझी। दुश्मन मुल्क की ओर से जंग का अलर्ट जारी कर दिया गया था। हिंदुस्तानी सिपाही जंग में हल्ला बोल चुके थे। उन्होंने अपने हथियारों से दुश्मनों को छलनी छलनी कर दिया था। तभी एक दुश्मन सिपाही माइक में चिल्लाते हुए अनाउंस करता है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हमारे गुलाम होंगे। तुम हिंदुस्तानी सिपाहियों में दम है तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को। उस दुश्मन सिपाही की बात पूरी होते ही अचानक बहुत तेज तूफान और भूकंप आने लगता है। दुश्मन सेना के सामने पहाड़ की चोटी जितना बड़ा भूतिया सिपाही गुस्से में उनके सामने खड़ा था। सभी सिपाही उसे देखकर बहुत डर गए थे। उसके बड़े बड़े नोकीले नाखून और दांत किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें खून के आंसू रो रही थी। वह दहाड़ते हुए दुश्मन सिपाहियों से बोल पड़ता है, तुमने मेरे हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने की जरूरत भी कैसे की? तुमने हिंदुस्तान को नहीं मौत को ललकारा है। अब तुम मेरे वार का सामना करके दिखाओ। भूतिया सिपाही ने अपना मुंह खोला और आग के गोले की बरसात कर दी। अपने दोनों हथेलियों से अंधाधुंध फायरिंग से दुश्मन की आधी सेना को ध्वस्त कर दिया। आधे दुश्मन उल्टे पैर भागने लगे। भूतिया सिपाही ने कुछ दुश्मनों को कच्चा चबा लिया। उसका यह खूंखार रूप देखकर सभी तितर बितर हो गए। आखिर में जब कोई ना बचा तो वह इंडियन सेना के सामने आता है। वह कैप्टन जोसेफ को अपनी हथेली पर उठाकर उससे बातें करता है। कैप्टन काफी डरे हुए थे, लेकिन जोसेफ भी अपनी कपकपाती आवाज में बोले, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? आपने इंडियन सैनिकों की मदद की, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं। आप कौन है? आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते, आप जरूर कोई देवी शक्ति हो। भैया, आपको अभी भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ? कैप्टन जोसेफ जैसे ही उसके गले में लॉकेट देखते हैं, जोसेफ उस लॉकेट को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह लॉकेट उसके छोटे भाई का था। मेरे छोटे भाई, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? भैया, मैं पिछली जंग में दुश्मनों के हाथों मारा गया था। मैंने उन दुश्मनों से बदला लेने के लिए रूप लिया है। मेरे छोटे भाई, मुझे तुझ पर गर्व है। तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तूने अकेले ही पूरी सेना को धूल चटा दी। भैया, मेरा बदला पूरा हो चुका, मुझे अब जाना होगा। अपना ख्याल रखना। जय हिंद। इतना बोलकर वह भूतिया सिपाही वहां से गायब हो जाता है। दुनिया की नजरों में वह सिपाही एक मिसाल बनता है। इंडियन सोल्जर्स उसे सैल्यूट करते हैं और उसे सलामी देते हैं।